गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप लोग थिंकबुक 14 को बूट कैसे करेंगे पेनड्राइव से, या इसका बूट मेनू की क्या है। वैसे लेनोवा का कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, उसका बूट मेनू की सिर्फ F12 होता है, तो इसमें भी F12 है, इसका बूट मेनू की F12 है। और अभी हम लोग पेनड्राइव से बूट करके देखेंगे क्या है, कैसे करेंगे। तो ये देखिए, इसका बूट मेनू की F12 है, जो कि आपको बूट करने के लिए, जैसा दूसरे पेनड्राइव से या डीवीडी राइटर से, जिससे भी आपको बूट करना है, तो आप F12 को प्रेस करके बूट मेनू में जा सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास पेनड्राइव है, ये पेनड्राइव बूटेबल पेनड्राइव मैंने विंडोज 10 की बनाया है, मैंने ये पेनड्राइव बूटेबल बनाया हूँ मैं। और इससे अभी इसमें विंडोज 10 है, तो इसको विंडोज 10 को अभी बूट करके देखेंगे हम लोग कैसे बूट करेंगे, जैसे कि फॉर्मेट करना है आपको, इसीलिए आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, आपको रिस्टार्ट करना है, जैसा आपका विंडोज अगर लैपटॉप ऑन है तो रिस्टार्ट करना है, अगर आपका लैपटॉप ऑफ है तो उसको ऑन करना है। तो अभी मेरा लैपटॉप ऑन है, इसके लिए मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर रिस्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू F12 बटन प्रेस करेंगे, जैसे कि आपका अगर शटडाउन होता तो कंटिन्यू, जैसे ही आप पावर बटन ऑन करते हैं तुरंत आपको F12 बटन प्रेस करना है। मैंने रिस्टार्ट किया है, रिस्टार्ट करते टाइम जैसा ऑन हुआ है उसके टाइम F12 बटन प्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू प्रेस करना है जब तक कि आपको बूट मैनेजर आपका। तो ये देखिए, मेरा बूट मेनू आ गया, यहाँ पे विंडोज बूट मैनेजर दिखा रहा है, ये मेरी पेनड्राइव है, ये मेरा पेनड्राइव किंगस्टन का पेनड्राइव है मेरा ये। तो ये देखिए, आपका जो भी रहेगा, आप अगर डीवीडी राइटर से कर रहे हैं तो आपका वो दिखाई देगा उसमें। तो ये देखिए, USB यहाँ पे दिख रहा है, किंगस्टन की पेनड्राइव, तो मैं इस पर एंटर करूँगा। ये देखिए, आपको एरो की मिल रहा है नीचे ऊपर जाने के लिए। तो ये देखिए, मैं अपने पेनड्राइव पे बूट किया, पेनड्राइव को सेलेक्ट करके इंटर किया, तो अभी ये हार्ड डिस्क से ना बूट करके मेरे पेनड्राइव से बूट करेगा, जो मैंने विंडोज 10 की बूटेबल पेनड्राइव बनाया है उससे बूट किया, ये देखिए। ओके, अभी यहाँ तक इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बूट मेनू की बताना था। और अगर आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से फॉर्मेट का पूरा प्रोसीजर है। वैसे ही YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो कि फॉर्मेट करने का या विंडोज इंस्टॉल करने का, वो देते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।